जिला अलायंस मंडला की टीम ने किया कप पर कब्जा। महेश्वरी सर्वांगीण विकास समिति मंडला द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पखवाड़े के अंतर्गत हुआ महिला क्रिकेट का आयोजन। महेश्वरी सर्वांगीण विकास समिति मंडला के तत्वधान में महिला क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीण परिवेश एवं आसपास की ग्राम पंचायतों की महिलाओं द्वारा स्टेडियम ग्राउंड मंडला में शुक्रवार प्रातः 9 बजे से टेनिस बॉल क्रिकेट मैच खेला गया, जिसमें महिलाओं ने अपनी घरेलू वेशभूषा में मैच खेला। समिति सचिव शशि पटेल द्वारा जानकारी दी गई कि यह आयोजन महेश्वरी सर्वांगीण विकास समिति मंडला के द्वारा वर्ष 2012 से निरंतर कराया जा रहा है। इसमें ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को आत्मबल मिलता है, साथ ही हमारे आसपास के होने वाले परिवर्तनों और माहौल के बारे में जानने समझने का मौका भी मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का एक पूरा पखवाड़ा होता है 8 मार्च से शुरू से, तो ये उसी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पखवाड़े के अंतर्गत महिला क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया है। चूंकि ये पहली बार नहीं हुआ है, ये घरेलू महिला हिंसा का पूरे कार्यक्रम चलते हुए हमने 2012 से यह मैच का शुभारंभ किया था जब दिल्ली में निर्भया केस हुआ था। ये उद्देश्य इस मैच का उद्देश्य ये है कि महिलाएं कहीं से भी कम नहीं है, अगर उनको मंच मिले तो वो अपना हुनर दिखाने में अव्वल रहती हैं। आज महिलाओं को आप देखिए, अपना अपनी जो पारंपरिक वेशभूषा है उस पे आज बल्ला और बॉल को पकड़कर मैदान में उतरी हैं, जो कि वो घर पर आप देखिए कि चूल्हे और चौके से में घिरी हुई रहती हैं, लेकिन आज उनको ये मैदान मिला और आज वो अपने हुनर दिखाने के लिए मैदान में उतरी हैं, तो निश्चित ही वह महिलाएं किसी से कम नहीं हैं। अगर उनको मौका मिले तो पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिला करके वो चल सकती हैं। आज की इस महिला क्रिकेट मुकाबले में 4 टीमों ने भाग लिया, जिसमें जिला अलायंस मंडला, प्रशासनिक मंडला, भाजपा महिला मोर्चा मंडला, कांग्रेस महिला मोर्चा मंडला के मध्य खेला गया। यह आयोजन मंडला शहर के महात्मा गांधी स्टेडियम में किया गया, जिसमें पहला मैच भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की टीम और कांग्रेस महिला मोर्चा की टीम के बीच खेला गया, जिसमें टॉस जीतकर कांग्रेस महिला मोर्चा की टीम ने क्षेत्र रक्षण करने का निर्णय लिया और विपक्षी टीम भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। इस 6-6 ओवर के मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा टीम ने 6 ओवर में 4 विकेट खोकर मात्र 23 रन बनाए और 24 रनों का लक्ष्य दिया। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की टीम की ओर से बल्लेबाजी में सुनीता नागेश्वर ने 9 रन और संध्या कांडरा ने 8 रन बनाए। कांग्रेस महिला मोर्चा की टीम की ओर से गेंदबाजी में शकुन जंगेला ने 2 विकेट, संगीता तिवारी ने 1 विकेट और 24 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी महिला मोर्चा की टीम ने इस लक्ष्य को बड़ी ही आसानी से 1.4 ओवर में ही प्राप्त कर लिया। कांग्रेस महिला मोर्चा की टीम की ओर से बल्लेबाजी में रमा मार्को ने नाबाद 17 रन और पुष्पलता बरागी ने नाबाद 6 रनों की पारी खेली। इस प्रकार कांग्रेस महिला मोर्चा की टीम ने इस मुकाबले को बड़ी ही आसानी से 10 विकेटों से जीत लिया। 8 मार्च को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, उसमें हमारी बहनों को सबको बहुत उत्साहित रहता है और हमको मौका मिला, शशि पटेल के तरफ से फोन आया हमारे पास कि आप मैच खेलोगे। पिछले साल भी आया था पर हम अपनी टीम तैयार नहीं कर पाए थे, तो नहीं खेल पाए थे। ये बार हम अपनी टीम तैयार किए, 3 दिन मेहनत किए, बुलाए लेडीज़ों को और हम अपना विचार इकट्ठे करके और मैदान में उतरे और हम अपनी जीत हासिल की। दूसरा मैच प्रशासनिक महिला टीम और जिला अलायंस मंडला की टीम के बीच खेला गया, जिसमें टॉस जीतकर जिला अलायंस मंडला ने क्षेत्र रक्षण करने का फैसला किया और प्रशासनिक महिला टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए प्रशासनिक महिला टीम ने 6 ओवर में 5 विकेट खोकर 53 रन बनाए और लक्ष्य के लिए 54 रनों की चुनौती रखी। प्रशासनिक महिला टीम की ओर से बल्लेबाजी में शालिनी जंगेला ने 24 रन, रमोती ने 14 रन और रश्मि पाठक ने 8 रन बनाए। जिला अलायंस मंडला टीम की ओर से गेंदबाजी में रेजीना ने 3 विकेट एवं करुणा मस्कोले और सुनीता सोनी ने 1-1 सफलता अर्जित की। 24 रनों के लक्ष्य का यह पीछा करते उतरी जिला अलायंस मंडला की टीम ने 3.1 ओवर में ही इस लक्ष्य को पूरा कर लिया।
जिला लाइन्स मंडला टीम की ओर से बल्लेबाजी में करुणा मस्कुले ने नाबाद 25 रन, रामा परते ने 8 रन एवं शोभना कछवाहा ने 4 रनों की पारी खेली। प्रशासनिक महिला टीम की ओर से गेंदबाजी में शालिनी जंगेला ने 3 सफलता अर्जित की। इस प्रकार इस मैच को मंडला जिला लाइन्स महिला टीम ने 7 विकेटों से जीता। अच्छा लग रहा है क्योंकि जिम्मेदारियों के चलते बचपन के दिनों को वापस से जीने की जो एक इच्छा थी जो बाकी रह गई थी, तो आज वो महिष्मती विकास समिति की तरफ से जो आयोजन किया गया उसके द्वारा हम लोगों की पूरी हुई। और हम लोगों ने यहाँ पे घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ यहाँ पे आके हम लोगों ने क्रिकेट खेला, उसका हम सबको बहुत ही अच्छा लगा और हम लोग का उत्साहवर्धन भी और एक कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है वो एक स्तर हम लोगों का और बढ़ गया है। इसके बाद 6 ओवर का फाइनल मैच कांग्रेस महिला मोर्चा की टीम और जिला लाइन्स मंडला के बीच खेला गया, जिसमें कांग्रेस महिला मोर्चा की टीम ने टॉस जीतकर क्षेत्र रक्षण करने का फैसला किया और जिला लाइन्स मंडला की टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए जिला लाइन्स मंडला की टीम ने 6 ओवर में 2 विकेट खोकर 103 रन बनाए और लक्ष्य के लिए 104 रनों की चुनौती रखी। जिला लाइन्स मंडला की टीम की ओर से बल्लेबाजी में करुणा मस्कोले ने नाबाद 67 रन, रमा परते ने 24 रन, सुनीता सोनी ने 6 रनों की पारी खेली। कांग्रेस महिला मोर्चा की टीम की ओर से गेंदबाजी में पुष्पा लता बैरागी और संगीता तिवारी ने 1-1 सफलता अर्जित की। 104 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी कांग्रेस महिला मोर्चा की टीम की शुरुआत अच्छी रही, लेकिन रमा मार्गो के आउट होते ही कांग्रेस महिला मोर्चा की टीम की उम्मीदों पर पानी फिर गया और कांग्रेस महिला मोर्चा की टीम को इस मैच को गंवाना पड़ा। कांग्रेस महिला मोर्चा की टीम की ओर से बल्लेबाजी में रमा मार्को ने 46 रन और पुष्पा लता बरागी ने नाबाद 18 रनों की पारी खेली। जिला लाइन्स मंडला टीम की ओर से गेंदबाजी में मनीषा ठाकुर ने 1 सफलता अर्जित की। इस प्रकार से इस फाइनल मुकाबले को जिला लाइन्स मंडला टीम ने यह मैच 30 रनों से जीत लिया और खिताब पर अपना कब्जा किया। इन सभी मैचों के संचालन की भूमिका सेफ स्टेडियम ग्रुप मंडला द्वारा की गई एवं निर्णायक क्रिकेट एसोसिएशन मंडला से सत्यम बर्मन, ललिता तिवारी और हरीश कप्तान रहे। आयोजन के दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष भीष्म त्रिवेदी, कांग्रेस जिला अध्यक्ष राकेश तिवारी, नापा अध्यक्ष पूर्णिमा अमित शुक्ला, महिष्मती सर्वांगीण विकास समिति मंडला से सचिव शशि पटेल, कमला टांडिया, शिखा श्रीवास्तव, सुनीता सोनी, अन्याय गोलवरकर, मनीषा ठाकुर, सीमा अग्रवाल आदि उपस्थित रहे। मीडिया टुडे के लिए दीप्ति कौर की रिपोर्ट।